बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिक वे टू फिज़िक्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। एमडी कैट एंड ई कैट प्रिपरेशन, चैप्टर नंबर 3, अबाउट मोशन एंड फोर्स। Now we shall talk about Newton's laws of motion. These laws were stated by Newton in 1687 in his famous book Principia Mathematica. Newton's laws are not derived laws but are deduced from experiments. Therefore, these laws are also called empirical laws. Newton laws of motion. Newton laws of motion are applicable for speeds that are very low compared with the speed of light. Mean, daily life की speeds के लिए तो ये laws applicable हैं, लेकिन जब speeds बहुत high होती हैं, जैसा कि speed of light के comparable, तब ये laws जो हैं वो applicable नहीं रहते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि हम न्यूटन लॉज में मास ऑफ द बॉडी को हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन हाई स्पीड्स के ऊपर, जिसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड्स कहते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूव्स विद वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन इट्स मास इज गिवन बाय एम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। ये हम चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर में ये पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो v है, ये स्पीड है ऑब्जर्वर की। अगर जो स्पीड है वो लेस होगी स्पीड ऑफ लाइट से, देन ये जो फैक्टर होगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रूट, ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि बटे के अंदर बहुत बड़ी रकम है सी स्क्वायर, तो ये आंसर जो होगा 1 से छोटा आएगा। जब 1 से छोटा आएगा तो जो m होगा वो m नॉट से बढ़ जाएगा। m इज ग्रेटर देन m नॉट, इट्स मीन मास इंक्रीज कर गया है, लेकिन मास को तो कांस्टेंट रहना चाहिए था। अब देखिए मास बढ़ गया है, तो जब स्पीड जो होंगी वो हाई होंगी, जिनको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड्स कहते हैं, जो कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती हैं। ये आप याद रखें इसको, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीन 3×10^7 मीटर पर सेकेंड से लेके 3×10^8 मीटर पर सेकेंड तक जब स्पीड्स होंगी, तो उन स्पीड्स के लिए जो मास होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि इंक्रीज कर जाता है, और अगर मास इंक्रीज कर जाता है तो न्यूटन लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहते। लेकिन अगर स्पीड बहुत कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ वी इज़ नियरली इक्वल टू जीरो, जो स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर है नियरली इक्वल टू जीरो होगी, देन क्या होगा? देन m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस v को हम जीरो पुट कर देंगे, 0 बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 अंडर रूट 1 होगा, तो m इज इक्वल टू एम नॉट आ जाएगा, मीन मास चेंज नहीं होगा। सो डेली लाइफ की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती हैं, इसलिए मास जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, और जब मास कॉन्स्टेंट रहता है तो न्यूटन लॉज जो होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स मीन जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स, कोई रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती, बॉडी या तो रेस्ट में रहता है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहता है या रेस्ट में रहता है। ये दो स्टेट्स मुमकिन हैं जब किसी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो, तो ये हमें न्यूटन ने बताया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ gives a qualitative definition of force. आप देख सकते हैं, force के बगैर body rest में रहता है या uniform velocity से
मूव करता रहता है, तो ये इसका जो आइडिया था फोर्स का, वो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलता है। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज एन एजेंसी विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन ए बॉडी ऑफ मैस 1 kg। मीन 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। इन सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। द फोर्स इज सेट टू बी 1 डाइन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 ग्राम। और 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब रिलेशनशिप क्या है न्यूटन और डाइन में? जैसा कि हम जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है, तो किलोग्राम के ग्राम बनाओ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 10^3 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 10^2 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 10^5 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर बन गया। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को हम डाइन कहते हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, या 1 डाइन इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। याद रखें ये वाला रिलेशन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन्स होते हैं, या 1 डाइन जो होता है वो 10^-5 न्यूटन के इक्वल होता है। एज वी नो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बट किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। एक्चुअली पहले एक ग्रेविटेशनल सिस्टम भी यूज़ किया जाता था क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए। ग्रेविटेशनल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स बेस्ड अपॉन अ यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज द वेट ऑफ अ यूनिट मास अंडर अ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेविटी। और उसमें हम 1 किलोग्राम वेट को इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन कहते हैं। बेसिक फोर्सेस इन नेचर, देयर आर फोर बेसिक फोर्सेस इन नेचर, ऑल अदर फोर्सेस आर मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज फोर्सेस। ये हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा था। द बेसिक फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इनकी रेशियो क्या है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रेशियो वीक फोर्स एंड रेशियो स्ट्रॉन्ग फोर्स। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1:38, 10^26, 10^40, ये इन तमाम फोर्सेस की रेशियो होती है। और आप देख सकते हैं 10^40 जो वीक जो स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, पहले है कांस्टेंट फोर्स। इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स इज कांस्टेंट, इट इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स। एज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स आर कॉन्स्टेंट, देन फोर्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वेट इज इक्वल टू एम जी, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू ई, ये कॉन्स्टेंट फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह टाइम डिपेंडेंट फोर्स, इन केस ऑफ इम्पल्स और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन आल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स डिपेंड्स अपॉन टाइम। सिमिलरली पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी, इट इज सेड टू बी पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर पोजिशन डिपेंडेंट फोर्सेस। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी, ये आप बेहतर जानते हैं, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था फ्लूइड डायनामिक्स में। इट इज सेड टू बी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, विस्कस फोर्स जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, F=6πηRV, तो ड्रैग फोर्स जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इसी तरह द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड F=Q×V×B आर द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। नो
रिमेंबर व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब जिधर बॉडी मूव कर रहा है उधर ही फोर्स लग रही है, तो फिर क्या होता है, स्पीड इंक्रीज करती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो रिमेन्स सेम। जिस तरह गाड़ी है, जब उसके ऊपर आप उसको एक्सलरेट करते हो तो गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका जो इंजन फोर्स लगा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं उस वक्त वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मीन स्पीड वो बढ़ती है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर ब्रेक्स लगा दी जाएँ तो फिर क्या होगा, गाड़ी मूव आगे कर रही होती है लेकिन स्लो डाउन हो रही होती है। व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, स्पीड डिक्रीजेस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स सेम। इस तरह गाड़ी आगे जाती रहती है, मीन डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड ही रहती है, लेकिन क्योंकि अब इसके ऊपर अपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता रहता है, अल्टीमेटली वो स्टॉप कर जाता है। व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये सर्कल के अंदर होता है कि जब 90 के एंगल पे किसी बॉडी के 90 के एंगल पे फोर्स लग रही होती है, देन क्या होता है, देन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस सेम। व्हेन फोर्स एक्ट्स एट सम एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रही होती है देन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ यूज टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन और स्पेस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मे बी एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो एप्लीकेबल होता है। अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अर्थ का जो एक्सलेशन है बहुत वीक है, उसको अगर हम इग्नोर कर दें देन इट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लेते हैं, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर एग्जांपल्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑन द अदर हैंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है डज नॉट होल्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ वी हैव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में हमने कहा था कि अगर फोर्स एक्ट ना करे तो बॉडी या तो रेस्ट में रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ में कहा जाता है अगर फोर्स अप्लाई करें तो फिर क्या होगा, फिर जाहरी बात है बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस बॉडी की मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसे कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वेरीज डायरेक्टली विद द अप्लाइड फोर्स एंड इन्वर्सली विद द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड रिमेंबर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैसेज M1 एंड M2, देन M1A1 इज इक्वल टू M2A2। यहाँ से A1 over A2 इज इक्वल M2 over M1, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, A1 over A2 इज इक्वल M2 over M1। न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दिस इज वट वी कॉल न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल डेल्टा P बाई डेल्टा T।
न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. रिमेंबर फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स. न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता चलता है कि फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ऑल्सो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी. एक बॉडी एक्शन लगाता है, दूसरा बॉडी का रिएक्शन होता है. मीन ये टू बॉडी सिस्टम है. एक बॉडी का एक्शन होता है, दूसरे बॉडी का रिएक्शन होता है. हमेशा दो बॉडीज चाहिए एक्शन और रिएक्शन के लिए. नेक्स्ट वी हैव मोमेंटम, और सिंपल और वी कॉल लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद स्टेट ऑफ मोशन. मीन वी कैन से द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. ऑल्सो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी. दैट इज पी इज इक्वल टू एम वी. क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है. दो द वर्ड लीनियर इज नॉट कॉमनली एम्प्लॉयड बट इट इज समटाइम यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम. यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड. दोनों ही ऐसा यूनिट है. लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी एट रेस्ट इन अ मूविंग ट्रेन इज जीरो रिलेटिव टू पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन. वाइल इट इज नॉट जीरो फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द ट्रेन. टू बॉडी ऑफ सेम मैस एंड मूविंग विद सेम स्पीड विल हैव डिफरेंट मोमेंटम अनलेस देयर डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर सेम. फॉर ए बॉडी और अ पार्टिकल पी इज इक्वल एम वी, सो द लीनियर मोमेंटम विल चेंज इफ मैस और वेलोसिटी आर बोथ चेंज. ओके, इफ एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. अगर एम मैस एक बॉडी का कॉन्स्टेंट रखें तो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर वुड बी द मोमेंटम. दैट इज इफ डिफरेंट बॉडीज हैव सेम मैस द मोमेंटम विल बी लार्जेस्ट फॉर द फास्टेस्ट मूविंग बॉडी. अगर हम वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रखें देन मोमेंटम जो होगा मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दैट इज इफ डिफरेंट बॉडीज आर मूविंग विद सेम स्पीड्स देन मोमेंटम इज लार्जेस्ट फॉर द हैवीएस्ट बॉडी. If P is equal to constant, then V is inversely proportional to mass of the body. That is, if different bodies have same momentum, then the lightest body will have greatest velocity. Also, we can write P square over 2m is equal to ke, क्योंकि हम जानते हैं kinetic energy equal to half mv square के. Kinetic energy equal to half mv square के. अगर हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे m से multiply कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Half एम स्केयर वी स्केयर ओवर एम. जो एम स्केयर वी स्केयर है ये पी स्केयर बन जाएगा. सो पी स्केयर ओवर टू एम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कनेक्ट एनर्जी. पी स्केयर ओवर टू एम इज इक्वल टू कनेक्ट एनर्जी. और पी स्केयर इज इक्वल टू टू एम के ई. और स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे. पी इज इक्वल टू टू एम के ई अंडर रूट. अब यहाँ से हम डिफरेंट केसेस बनाते हैं. इफ पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर हम मोमेंटम कॉन्स्टेंट लें देन क्या होगा? कनेटिक एनर्जी जो होगी वो इन्वर्सी प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द बॉडी होगी. दैट इज इफ डिफरेंट बॉडीज हैव सेम मोमेंटम कनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर लाइटेस्ट बॉडी. जितनी मैस कम होगी कनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रखें तो ये बात याद रखनी, अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा तो कनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैस के इन्वर्सी प्रोपोर्शनल होगी. तो इन्वर्सी प्रोपोर्शनल में ये कर्व्ड ग्राफ आता है. आप ए ग्राफ देख सकते हैं कनेक्ट एनर्जी और मैस में, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. तो ग्राफ हमारे पास आया कर्व्ड, जिसका बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है. उसी तरह कनेक्ट एनर्जी और मैस का ग्राफ होगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट रखेंगे तो. नो, इफ कनेक्ट एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन मोमेंटम जो होगा वो एम की अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. क्योंकि हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एम के ई अंडर रूट. अगर उसमें कनेक्ट एनर्जी कांस्टेंट रखें तो जो मोमेंटम होगा वो मैस की अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मैस के सिंपल मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मैस की अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दैट इज डिफरेंट बॉडीज हैव सेम कनेक्ट एनर्जी देन हैवीएस्ट बॉडी विल पोजेस मैक्सिमम मोमेंटम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होती है. अगर मैस ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा. तो ग्राफ आप देख सकते हैं, शुरू में मैस कम है तो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है. ग्रेजुअली मोमेंटम मैस बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता जाएगा.
No, if we take m is equal to constant, then p is directly proportional to kinetic energy. ये जो k है, mean kinetic energy की अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. That is, if different bodies have same mass, then body having largest kinetic energy will have maximum momentum. अब हम मोमेंटम वेरी कर रहे हैं, तो कनेक्ट एनर्जी वेरी होगी. शुरू में कनेक्ट एनर्जी मैस मोमेंटम कम है, कनेक्ट एनर्जी कम है, फिर इसी तरह जो मोमेंटम बढ़ने से कनेक्ट एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. एज वी नो, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन इन टर्म मोमेंटम इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल अप्लाइड फोर्स, और एफ इज इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और इसको हम लिख सकते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, गैस इंक्लोज इन अ सिलेंडर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है. टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है. देर इज नो चेंज इन मोमेंटम. एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम. ये हम जानते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है. टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ऑल्सो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स. और वी कैन से द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स. ये इसकी बिल्कुल शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है. चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स. या हम ये कहते हैं, जब किसी बॉडी के ऊपर लार्ज फोर्स एक्ट करती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, एंड द फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. आई इज इक्वल टू एफ इन टू टी या इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम. तो याद रखिएगा, इम्पल्स और जो मोमेंटम है ये सेम एस आई यूनिट रखते हैं और सेम इनका डायमेंशनल यूनिट होंगे.